हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज हम थोड़ा बाहर आए हैं, जैसे कहते हैं ना रियल ओवरलैंडर्स ऐसे ही करते हैं कि जहां आपको मैप लेके जाया वहां पर आ जाते हो। ठीक है, ये होती है ओवरलैंडिंग। सबसे पहले आप पॉइंट, मैंने धमाकेदार पॉइंट छेड़ दिया है कि ओवरलैंडिंग के जो मायने हैं कुछ बदल गए हैं। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा, मैंने कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं। मैं इसमें, मेरे को कोई दो राय नहीं है, मैं उसको कहता हूँ इल्ज़ाम। ठीक है, तो वो जो इल्ज़ाम मैंने किसी बुनियाद पर लगाए हैं, कोई उसकी वजह है। ये नहीं कि मैंने खाली ऐसे उठा के किसी को कुछ कह दिया, तो उसकी जो वजहें हैं, वजह है या वजहें हैं, थोड़ी उर्दू सी आ जाती है मेरे को। ठीक है, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, और हो सकता है मैं आपको फ़ोन पे भी दिखा दूँ। जो भी चीज़ मेरे पास यहाँ पर होगी उसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर हर बात क्लियर हो जाएगी। तो मुद्दे की बात अब ये आती है कि मैंने कुछ हफ्ते पहले किसी एक ओवरलैंडर्स का ग्रुप है इंडिया में, तो वो यूट्यूब पे भी आते हैं, कुछ 7-8 चेहरे हैं जो आप यूट्यूब पर देखते हो। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी से मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना मैं उनको जानता था कैंपिंग में आने से पहले, बट मैं उनसे इंस्पायर था। स्पेशली एक बंदे से मैं इंस्पायर था, उनको मैं इमिटेट भी करता था शायद अपने वीडियोज़ में, तो इतनी हिंट काफ़ी होगी आप लोगों के लिए। तो वो एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है, मैंने अपनी वाइफ से बात की सिमरन से कि क्यों ना हम इन लोगों को ज्वाइन करें। ठीक है, ज्वाइन करते हैं और एक अच्छी सी लोकेशंस, क्योंकि वी आर न्यू कमर्स, तो हम लोगों को लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं है कुछ कि कहाँ जाना चाहिए, ऊंचाई पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कैसी गाड़ी जा सकती है नहीं जा सकती। तो ये लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हमें ऐसा लगा, तो हम लोगों ने इनके फिर ईमेल्स या इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी कि इनको कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए। तो हम लोगों ने इनको कॉन्टैक्ट किया फेसबुक पे और इंस्टा पे, आई थिंक दोनों पे हम लोगों ने मैसेज भेजे कि हम लोग आपका ग्रुप या आपकी कोई आगे ट्रिप आ रही है, हम उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमको उन्होंने रिप्लाई किया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो रिप्लाई, फिर मैंने कमेंट्स पढ़े उनके, तो जहाँ तक मुझे समझ में आया वो रिप्लाई उसे करते हैं जो फुल फ्लैच्ड, मतलब एक होती है ना रिच कम्युनिटी हो या अपर मिडिल क्लास हो, जिनके पास ऑलरेडी एक व्हीकल हो, जिसके ऊपर रूफ टॉप टेंट हो, बड़ा अच्छा सा सेटअप हो जिसमें वो उसको दिखा पाए। यानी कि आप एक ये लगा के चलो अपर मिडिल क्लास टाइप वाली चीज़ है, जो वो उसको जल्दी रिप्लाई करते हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो रिप्लाई किसी को भी नहीं करते, मतलब मैंने कुछ कमेंट्स देखे, जो मेरा जो कमेंट भी था और जो मैंने उसमें उनको मतलब आंसर मांगा, मैंने मुझको रिप्लाई करने में उनको पता नहीं हज़ारों महीने लग जाएंगे, शायद अभी तक उन्होंने किया नहीं है, 2 हफ्ते हो गए। बट दूसरे जो फॉरेनर्स हैं, आई थिंक कुछ फॉरेनर्स हैं जिन्होंने उस पे पेज पर जाके कमेंट किया, और उनको जस्ट इन 30 मिनट्स रिप्लाई आ जाता है और पूछा जाता है कि प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड यू कैन ज्वाइन अस वेन एवर यू वॉन्ट, जस्ट लेट अस नो कि आप लोग कब इंडिया आ रहे हो। तो ये तो थोड़ी बहुत मैंने आपको डिटेल दे दी जो मेरे साथ हुआ कि क्यों मैंने ये बात उठाई है। तो मैंने जो ये बात उठाई है, मुझको एक्चुअली मैसेज मुझको नहीं आया, किसी और एक रमन करके कोई था, उनको ये मैसेज आया, आई थिंक लेडी थी वो कोई बॉम्बे से, उनको उन्होंने मैसेज किया है कि इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन। मैं वो स्क्रीन शॉट इसमें लगाऊंगा वीडियो में, वो आप डिटेल से देख लेना। उसमें उन्होंने ये कहा है कि टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेशन के लिए अगली ट्रिप जो है दिसंबर में शुरू होगी, आई डोंट नो नियर अबाउट 20 डेज की है शायद, तो वो 3 स्टेट्स में जा रहे हैं अलग अलग। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि 3,000 रुपीज़ पर कैंपिंग वैन है। ठीक है, उसमें 2 बंदे 3 बंदे, उनसे उनको कोई मतलब नहीं, पर कैंपिंग वैन या जो भी आपके पास है, 3,000 पर हेड वो ले रहे हैं, पर हेड नहीं, पर कैंपिंग वैन वो ले रहे हैं। ठीक है, तो यूज़र ने उनसे ये पूछा कि सर इसमें और क्या इंक्लूड है, तो बंदे ने सामने से जो ओवरलैंडिंग ग्रुप चला रहा है उसने हंसते हुए जवाब दिया, कहता इसमें इंक्लूड ये है कि आप स्टिकर्स, जिसका साइज आई थिंक इतना है, अबाउट 6 इंचज मैक्स, ठीक है राउंड में लगा लो आप, तो उसके बाद एक फ्लैग्स आते हैं छोटे छोटे, जैसे आपने देखा हो गाड़ियों में कई लोग लगाते हैं ना, बीजेपी का कांग्रेस का लगाते हैं छोटे छोटे से फ्लैग, वो फ्लैग होते हैं जिसपे लिखा है इंडियन ओवरलैंडर्स। ठीक है, तो अब वहाँ पर अगर 200 फैमिलीज जाती हैं, ये उस यूज़र ने कहा था, उन्होंने कैलकुलेशन लगाई कि समथिंग 3 लैक्स और आई डोंट नो
पता नहीं कितना बना, उन्होंने कहा कि 200 फैमिलीज जाती है एंड इफ यू मल्टीप्लाई 200 इनटू 3000 पर हेड तो दैट विल कम एट 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज अभी तक 100 फैमिलीज ज्वाइन कर चुकी हैं, अभी बहुत दिन बाकी हैं, तो 200 फैमिलीज अगर ज्वाइन करती हैं तो दे विल कलेक्ट 6 लाख रुपीज जस्ट अ पार्टिसिपेशन फीस। एंड एज टोल्ड बाय द ओवरलैंडर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट कि इसमें और कोई कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है अदर देन जो भी कॉस्ट होगा, वही मैं करूंगा, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। यानी कि एक तो जब आप ओवरलैंडिंग करते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, वो भी ये कह रहे हैं कि आपकी मर्जी है, वो जगह जगह होम स्टे करवाएंगे, होम स्टे 2 या 3 दिन बाद वो कहते हैं कि आप थक जाते हो, जो बात सच है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने किलोमीटर चलाते हो एक दिन में, 100, 200, 300 कितने किलोमीटर गाड़ी चलाता है बंदा, बंदा थक जाता है, ठीक है, थक जाता है तो उसके पास ऑप्शन है, वो अपने रूफ टॉप टेंट पे सो सकता है, गाड़ी में सो सकता है, बट दे विल ऑफर यू अ होम स्टे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कुछ गड़बड़ सी लगती है कि ये पहले से ही प्री प्लान्ड है हर चीज़, कि आप चाहे ना चाहे आपको एक चीज़ ऑफ़र कर दी गई है। अब उसमें से 200 फैमिलीज जाती हैं अगर, तो 200 फैमिलीज में आई थिंक 100 फैमिलीज तो चाहेंगी कि उनको होम स्टे मिले, यानी कि वहाँ पर भी कमीशन का गेम है। तो ये तो होगी होम स्टे वाली बात, ठीक है, इसमें भी वो ट्विस्ट ला देते हैं जिससे आपको उनके ऊपर शक ना हो कि आपने रुकना है तो ठीक है, नहीं आप अपना जुगाड़ कर सकते हो, ओवरलैंडिंग कर रहे हो, रूफ टॉप टेंट है तो ठीक है, नहीं अपना जुगाड़ आप खुद कीजिए, ठीक है। तो दूसरी बात अब ये आती है कि जो 6 लाख जो बताए हैं मैंने, अगर 200 फैमिलीज जाती हैं, अभी तक 100 ज्वाइन कर चुकी हैं, अभी बहुत टाइम है, 200 जाएंगी, श्योर शॉर्ट हूँ मैं इसी को, 100 ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, और अब बचे 100, अब वो 200 सब लोग अगर 3000 देते हैं तो 6 लाख हो गए, और 6 लाख में खुद एडमिन ने ये बात कही है कि दे विल प्रोवाइड यू ए फ्लैग एंड अ स्टिकर, जिससे मेरा अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, मेरा उस फ्लैग से या स्टिकर से क्या भला होने वाला है, या क्या इन्जॉय करने वाला हूँ, या मैं उससे क्या प्रमोट करने वाला हूँ, या क्या मैं उससे ओवरलैंडिंग प्रमोट कर रहा हूँ, क्या मैं उससे किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ, ये दो चीज़ें हैं। तो मुझे जो समझ में आया, दे विल प्रमोट देयर ओन ब्रांड विद योर मनी, ठीक है, वो अपने एक ग्रुप का है, उनका ब्रांडिंग है, उसको वो प्रमोट कर रहे हैं इस नाम पर कि हम इंडिया में ओवरलैंडिंग को प्रमोट कर रहे हैं। अब आती है स्टिकर्स की बात, मैंने जाके रिटेल में स्टिकर्स का प्राइस पता किया और फ्लैग्स का प्राइस पता किया, जो बैठता है 10 रुपए का एक हाई क्वालिटी स्टिकर जो वाटरप्रूफ होगा, वाटरप्रूफ एंड स्क्रैच प्रूफ। अगर किसी को मेरी बात ये बुरी लगे, अगर उनको लगता है 10 में नहीं मिलता, तो मुझको कॉन्टैक्ट कर लें, मुझे मैसेज कर दें, मैं 10 की जगह 5 में भी करा दूंगा, ठीक है, अगर किसी को बाई चांस मिर्चे लग जाएँ तो। ये सॉरी फॉर द लैंग्वेज, ये मेरी आदत है, मैं वीडियो के लिए मैं अपना कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकता, बट ये सच्चाई है। तो अब 200 फ्लैग्स क्योंकि इतने बड़े होने वाले हैं, छोटे छोटे से 200 फ्लैग्स और 200 स्टिकर्स कितने के होंगे, ये आप लोग खुद कैलकुलेशन लगाना ना, और अपने अपने शहर में जहाँ जहाँ रहते हो अगर आपको इंटरेस्ट है इतना, तो आप जाके रेट भी पता कर लेना, ठीक है। तो अब जो 6 लाख है उसमें से ये कितने के स्टिकर्स बनाएंगे, ये कैलकुलेशन मैं नहीं लगाऊंगा, आप लोग लगा लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर ये परमिशंस, कुछ परमिशंस लेनी होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम स्टैंप वगैरह लगती है, वो भी नहीं लगती, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये तो हो गई मतलब कि मैथमेटिक्स हो गया कि अब वो 6 लाख में से आपको स्टिकर्स और फ्लैग देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि रूफ टॉप टेंट की बात की जाती है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो पर्टिकुलर वहाँ पर कुछ बंदे हैं, अगर आप उसको ढंग से देखो तो जब भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मुझे ये नहीं समझ में आता। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी कैंपिंग करने आऊँ या ओवरलैंडिंग करने आऊँ या पिकनिक करने आऊँ, अपने बच्चों को लेके आया हूँ मैं, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरी चारों तरफ अगर 5-6 कैमरे वाले घूम रहे हैं, ठीक है, मुझको शूट किया जा रहा है, यूट्यूब व्लॉग बन रहा है, तो मैं इन्जॉय कैसे करूँगा? मुझे नहीं पता जो लोग ज्वाइन करते हैं वो कैसे इन्जॉय करते होंगे। एक ऐसा माहौल जहाँ अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए निकलते हो, वहाँ पर 6-7 व्लॉगर्स, नहीं वो कैंपर्स कम व्लॉगर्स या जो भी आप उसको उल्टा कह लो, आपको घेर के घेरे रहते हैं, हरदम कैमरा लेके घूमते हैं, बंदा बाहर गया है इन्जॉय कर रहा है, हो सकता है बंदे ने अपने खाली अंडरवेयर में घूमना हो वहाँ पर, या उसने कुछ भी है, कुछ भी पहन रखा होता है, बट जब आपके सामने कैमराज होते हैं तो आप कॉन्शियस रहते हो अपने लुक्स को लेके। हम तो हैं, एटलीस्ट हम हैं,
ठीक है, तो मैं अपनी बात करूंगा, किसी की बात मैं नहीं कह रहा। ये भी एक बात अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ चलो वी अग्री कि जो भी ग्रुप में करते हैं उसका रीजन ये है फॉर द सेफ्टी। नहीं ये चीज ये रीजन सही है कि ग्रुप होता है सेफ्टी के लिए, कि कई लोकेशंस ऐसी होती हैं जहां पर आप ग्रुप में जाओ। ठीक है, अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं ऐसी लोकेशन ढूंढता हूं। अभी ये देख लो, ये पीछे इधर है, आप अगर देखो तो ये डैम है। ठीक है, मैं यहां पे अकेला नहीं हूं, डैम के पास यहां पर पुलिस खड़ी है आगे, तो मुझे पता है मेरी सिक्योरिटी गाड़ी मेरी उधर खड़ी है। तो ये अपनी हर बंदे में इतनी कॉमन सेंस होती है, कोई बंदा जंगल में जाके एक सही जंगल में भी अगर करता, हमने जंगल में की है, ठीक है, इवन उस जंगल में की है जहाँ पर टाइगर्स हैं, बट हम क्या मेक श्योर करते हैं कि वहाँ पर कुछ पुलिस की चौकी है या कोई लोग आते जाते हैं या कोई रोड है, ये देखते हैं। चलो ये बात भी छोड़ दो आप। अब आती है बात, मैं जो मेन बात कर रहा था कि कैमराज के अंडर कैसे आप लोग इन्जॉय करते हो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेन जो उस ग्रुप में बंदे हैं वो सारे ही व्लॉगर्स हैं। तो सारे व्लॉगर्स हैं या सारे कैंपर्स हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। ठीक है, एक बात तो मुझे ये नहीं समझ में आती कि वो कैसे इन्जॉय करते हैं। ठीक है, अब मैं अकेला हूँ, ठीक है, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, यानी मैं अपनी ये मेरी हेडेक है। ठीक है कि मैं इन्जॉय करूँगा, मुझे पता है कि मैंने अभी ये 10 मिनट शूट किया, उसके बाद मैं इसको बंद करूँगा, मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, यानी मुझको मेरे अलावा मेरी परमिशन के अलावा मुझे कोई शूट नहीं कर सकता। ठीक है, ये मेन बात होती है। वहाँ कैमरा हमेशा लाइव रहता है, कभी भी कोई आता है अपना व्लॉग बना के निकल जाता है, यानी वो डबल कमाई होगी, एक साइड पे व्लॉग चल रहे हैं, दूसरी साइड पे आप लोगों को ऐसे ठग रहे हो। ठीक है, और अब बात आती है कि उस ग्रुप में हमेशा मैन्युफैक्चरर्स हैं। मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आती कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक तो बहुत आपने देखा होगा कि जो ज्वाइन करते हैं वो रिपीट नहीं होते, इसका कोई रीज़न होगा, समझने की कोशिश करना कि जितने लोगों ने ज्वाइन किया है हर व्लॉग में मैं देखता हूँ रिपीट होते हैं सिर्फ 2 या 3 बंदे हैं जो पक्के रिपीट होते ही होते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, एंड उसमें से मोस्टली जो साथ में रहते हैं दे आर मैन्युफैक्चरिंग रूफ टॉप टेंट्स। ठीक है, और वो भी कौन से, जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली वाले हैं। ठीक है, और भी कंपनीज हैं मेड इन इंडिया कंपनीज हैं जो आपको 50,000 में रूफ टॉप टेंट प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो व्लॉगर कम मैन्युफैक्चरर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं उस ग्रुप में। क्यों मौजूद हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रमोट देयर। अब मैं जाऊँगा, ठीक है, मेरे पास 10 बंदे खड़े हैं, कैंपर वैंस खड़ी हैं, इधर खड़ी है, उधर खड़ी है, मैं कहूँगा यार तेरा वाला टेंट बड़ा अच्छा है, ठीक है, उसका टेंट बड़ा अच्छा है, किससे लिया है? वो सबका टेंट एक ही कंपनी से आया हुआ, ज़्यादातर सबका टेंट एक ही कंपनी से आया हुआ, लगभग दो बंदे हैं जो उनको टेंट प्रोवाइड करते हैं, एंड जो ये टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, दे आर डूइंग देयर बिजनेस, आप करिए, बट डोंट से दैट यू आर प्रमोटिंग ओवरलैंडर, ओवरलैंडिंग या कैंपिंग, ये शब्द मत यूज़ करो, आप इसको प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है मुझको, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो करो आपकी ज़िंदगी है, आप जो भी करने के लिए आप आज़ाद हो, मैं आज़ाद हूँ बोलने के लिए, मुझे गलत लगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आप जो कैंपिंग करने लोग आए हुए हैं उनको वहाँ पर समझाया जाता सर ये रूफ टॉप टेंट ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसे खुलता है, ये वो है। भाई मैं गया हूँ, मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मैं टोयोटा के शोरूम गया हूँ, मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे पास बेडिंग का इंतज़ाम नहीं है, मैं कैंपिंग करता हूँ, मैंने रूफ टॉप टेंट लगवाना है। ठीक है, मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं अपने मैन्युफैक्चरर जिसने गाड़ी बनाई उससे तो पूछूं कि मैं कितनी लोड कैपेसिटी ये झेल सकती है, इसकी छत क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, कहता आप लोग अगर रूफ टॉप टेंट लगवाते हो तो आपके जो एरोडायनामिक्स हैं गाड़ी के वो 100% ख़राब होंगे, और आप जब गाड़ी तेज चलाओगे तो आपको थोड़े जब बैलेंसिंग में होता है ना हिसाब किताब ख़राब होता है। ठीक है, बाकी उन्होंने कहा आपकी मर्ज़ी है, वेट आप डाल सकते हो, कोई चक्कर नहीं, आपकी गाड़ी इस लायक है कि वेट झेल सके, बट एरोडायनामिक्स में प्रॉब्लम आती है। बट इधर जो ओवरलैंडर्स हैं उन्होंने रूफ टॉप टेंट की इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है इन ओवरलैंडर्स ने कि आप ये देख लेना यूट्यूब पे अगर लिख दो एक बार आप रूफ टॉप टेंट तो इन्हीं का ग्रुप सामने आएगा। रूफ टॉप टेंट की जो सेल है ना उनको बढ़ाने के पीछे इस पर्टिकुलर ग्रुप का हाथ है। अगर नहीं विश्वास तो प्लीज़ गो एंड वॉच देयर व्लॉग्स, जहाँ कहीं भी आप देख लो यूट्यूब पे रूफ टॉप टेंट, रूफ टॉप टेंट, रूफ टॉप टेंट, जबकि वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है क्योंकि वो आपके गाड़ी के एरोडायनेमिक्स के साथ
छेड़छाड़ करने वाली बात है। उसकी जगह आप अगर अंदर बेडिंग बनाते हो वो आपको सस्ती पड़ेगी, वो सिक्योर है, उसमें किसी जानवर के घुसने का डर नहीं है, ठीक है। आप वेंटिलेशन का जुगाड़ अलग से कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। मैंने किया और मैंने बजट में किया है सब कुछ, किसी से पूछ के नहीं। ना मैंने, जो कहते हैं इंडिया में एक भेड़ चाल बहुत है, उसने रूफ टॉप टेंट लगवाया तो मैंने भी लगवाना है। क्यों? जैसे वही बात होगी, मेरे पास फॉर्च्यूनर है तो दूसरा देखता है कि मैंने भी फॉर्च्यूनर ही लेनी है। आप अपने हिसाब से कुछ डिसाइड करो, अपना दिमाग यूज़ करो। और जो जो बंदे रूफ टॉप टेंट यूज़ कर रहे हैं वो धीरे धीरे अपने रूफ टॉप टेंट उतार रहे हैं। ये वीडियोज़ मैं कई देख चुका हूँ, वो रूफ टॉप टेंट उतर रहे हैं। तो बात ये आती है कि ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं बिज़नेस। अगर नहीं यकीन किसी को तो वो जाके वीडियोस देखे, लगातार उनको पता लग जाएगा कि कौन है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर जिसकी फैक्ट्री चल रही है रूफ टॉप टेंट बनाता है, वो अपना काम छोड़ के लगातार ओवरलैंडर्स के ग्रुप में क्यों बैठा है, उसका रीज़न क्या है? वो इंजॉय करने जा रहा है ना? वो इंजॉय करने नहीं जा रहा, वो अपने रूफ टॉप टेंट्स को प्रमोट करता है, अपने प्रोडक्ट्स लेके जाता है वहाँ पर। वहाँ पर एक मेला लगा है, मेले में अपने अपने प्रोडक्ट्स आप फ्री में दिखा देते हो। अगर आप में से सहमत हो तो प्लीज़ मुझे बताना और कमेंट करके ज़रूर एक बार बताएं। ज़रूर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में मैंने स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं। वो स्क्रीनशॉट से आपको थोड़ा मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगी कि क्या गड़बड़ कर रखी है इन लोगों ने। और बाकी अब बात आती है कि ये जो छोटी छोटी मतलब कैंपिंग वैन्स हैं, अब एक नया काम शुरू हुआ है कि हर बंदा गीज़र लगा रहा है, ठीक है, गैस वाला गीज़र लगा रहा है। मैंने कल, नाम नहीं लूँगा मैं किस ब्लॉगर का, वो भी उन्हीं के ग्रुप का है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो सीट का हेडरेस्ट होता है ना, मतलब आप गाड़ी के साथ इतना खेलते हो कि आपको ये नहीं पता कि आपके गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सीट के पीछे हेडरेस्ट पे बंदे ने गीज़र टांग रखा है, जस्ट टू शो दैट वी बिलोंग टू रिच कम्युनिटी, कि हमारे पास हर फैसिलिटी है। फॉसेट्स लगा रखे हैं बढ़िया बढ़िया, मतलब आप दिखाना किसे चाहते हो, यानी कि आप ओवर लैंडिंग नहीं कर रहे हो, यू आर शोइंग टू YouTube ऑडियंस कि हम लोग यहाँ पर हैं। शो ऑफ है, ये शो ऑफ है, ठीक है। कैसे शो ऑफ है? एक बंदा गैस का जो गीज़र आता है गैस वाला, उसको उसने हेडरेस्ट पे टांग रखा है, अब उसने नहाना था। लेटेस्ट ही वीडियो, पता लग जाएगा सबको, कल का ही वीडियो है ये, ठीक है। तो पहले वो अपना हेडरेस्ट निकालता है, हेडरेस्ट निकाल के फिर अपना वो गीज़र उठाता है। गीज़र उठा के उसको अपनी डिक्की की, जो डिक्की का जो दरवाज़ा होता है उस पर उसने हुक लगा रखी है, वहाँ पर टांगता है। फिर वो पाइप निकालता है, ठीक है, दो पाइप हैं पानी का और गैस का, पाइप और गैस पानी लगाएगा। फिर उसने पानी के लिए, सप्लाई के लिए अपने जो ऊपर टैंक पे पानी होता है, गाड़ी के ऊपर टैंक है, उसको जोड़ा, चार जगह उसने पाइप जोड़ा। फिर उसने उसमें शावर वाला पाइप लगाया। फिर उसके बाद वो टेंट में गया, उसने इंतज़ार किया पानी ठंडा होगा, उसके बाद वो शावर करता है, ठीक है। दिस इज़ शो ऑफ, इसमें हाइजीन कुछ नहीं है। मैं होता तो क्या करता, बताऊँ क्या करता मैं? मेरे पास चूल्हा पड़ा है ना, पतीला रखता, पानी गर्म करता, बाल्टी में डाल के नहा लो, सिंपल। शो ऑफ किस लिए, जब आपको पता है आप घर में रहते हो, घर घर होता है, गाड़ी गाड़ी होती है। तो सिंपल सी एक मैथमेटिक्स है, अपने घर आपके पास बर्तन होता है, पतीला होता है, उसको चूल्हे पे रखा, पानी गर्म किया, बाल्टी ले गए अंदर, ख़त्म। वो बंदा भाई उसने 15 मिनट लगा दिए खाली गीज़र सेटअप करने में। ये क्या है, ये हाइजीन आपका दिखाता है? हाइजीन की तो बात ही छोड़ दो, ओवरलैंडिंग में हाइजीन होता ही नहीं, उस लेवल का हाइजीन ओवरलैंडिंग में हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये है सिर्फ शो ऑफ कि वी आर अ रिच कम्युनिटी एंड ओवरलैंडिंग या कैंपिंग है, इन्होंने इस तरीके से पेश किया यूट्यूब पे कि दिस बिलोंग्स ओनली टू रिच कम्युनिटी। एक बार इनके पास एक कपल करके एक चैनल है जो एक आल्टो में जाते हैं, आई थिंक मैंने देखा कि ये इनके व्लॉग में हैं, ठीक है। तो जस्ट जैसे कहते हैं ना इग्नोर, मतलब उस बंदे को इन्होंने इग्नोर कर दिया कि वो एक छोटी गाड़ी में, मारुति आल्टो है, उसमें आया है, उसके पास कोई सेटअप नहीं है, कितनी मेहनत कर रहा है वो, उससे कोई मतलब नहीं है। बट उनको ऐसे लगा जैसे कोई गरीब बंदा आ गया हमारे अंदर। वीडियो है बट चक्कर ये, मैं अगर वीडियो दूँ, लिंक दूँ, नाम लूँ तो कॉन्ट्रोवर्सी बन जाएगी ये, तो मैं कॉन्ट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहता। मैं लोगों को सिर्फ अवेयर करना चाहता हूँ कि ये कुछ चल रहा है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझें और इनको ज्वाइन करने से बचें। वो अपनी ओवरलैंडिंग का खर्चा है ना, जो वो आपसे निकाल रहे हैं। अगर नहीं निकाल रहे तो प्लीज़ ये जो 200 फैमिलीज के स्टिकर्स और फ्लैग्स तैयार होंगे, ये 6 लाख रुपए इकट्ठा होगा, तो प्लीज़ आप खुद लोग पढ़े लिखे हो एटलीस्ट, जो ये कैंपिंग करते हैं, या आजकल सारी जनरेशन लगभग पढ़ी लिखी है,
तो आप लोग खुद एक बार पेपर पेंसिल ले लें, कैलकुलेटर ले लें, बताएं मुझे 6 लाख में 200 फ्लैग्स और 200 स्टिकर्स बनते हैं कि नहीं। और उसके अलावा वो इस चीज़ की दुहाई देती हैं, देते हैं कि हमें परमिशंस लेनी पड़ती हैं, परमिशंस के कॉस्ट नहीं होते। मैं यहाँ यूपी में हूँ, मैंने जंगल वालों से परमिशन ली, मैं यहाँ इस डैम पर अभी खड़ा हूँ, इनसे भी मैं परमिशन लेके आया हूँ। और अगर कोई बहुत वाइल्ड एरिया भी होता है ना, वहाँ पे भी अगर आपने परमिशन लेनी हो तो मुझे परमिशन भी मिली, प्लस उन्होंने, आप मेरे अगर व्लॉग देखो, पुराने व्लॉग हैं, उन्होंने मुझको गार्ड दिया। मैं तो ऑनर फील कर रहा हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट मेरे को फ्री में गार्ड दे रही है, कह रही सर वहाँ पे टाइगर का खतरा है, अगर आपने वीडियो बनानी है, अगर आपने कैंपिंग करनी है, अगर ज़रूरी है तो मैं आपको गार्ड देता हूँ, गार्ड आपसे कुछ मीटर की दूरी पे खड़े हो जाएंगे, आप अपना आराम से वीडियो बनाइए। और ये मुझसे कह रहे हैं, मुझसे नहीं कह रहे हैं, ये लोगों से कह रहे हैं कि परमिशंस के लिए भी पैसे लगते हैं, यानी ये कहना चाहते हैं कि सरकारी ऑफिसर्स या सरकारी विभाग इनसे रिश्वत लेता है परमिशन देने के लिए। ये बहुत बड़ी एलिगेशन है, अगर कोई से दिमाग लगाए ना इसमें, ये एलिगेशन हो गई कि परमिशंस के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। और इनके फेसबुक पेज पे ज्वाइन के लिए मैसेज आते हैं, सर आई वांट टू ज्वाइन, तो उधर से एडमिन कहता है प्लीज़ सेंड मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आता है सर वी वांट टू ज्वाइन, प्लीज़ सेंड मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, मैं अगर एक बंदा पूछता है सर ये 3000 रुपये ज़्यादा है, एडमिन का जवाब नहीं आता। ठीक है, जिसको वो ज्वाइन करने का, सीधे आप कहो आई वॉन्ट टू ज्वाइन, जिसने ट्राई करना है कर ले, ठीक है, लिखो आई वॉन्ट टू ज्वाइन, सीधे आपके पास नंबर आएगा, कॉल करिए, आपसे पूछा जाएगा आपके पास कैंपर वैन है, आपके पास सेटअप है, आपके पास ये है वो है सब कुछ है कि नहीं है। ठीक है, कैंपिंग वैन क्या होती है इसकी डेफिनेशन आप लोग गूगल पे भी जाके निकाल सकते हो, बट ये लोगों की जो नियम शर्तें इन्होंने इस तरीके से बनाई हैं, एक वाइट कॉलर क्राइम है कि ना आप इनको घेरना भी चाहो ना तो इनके पास हर चीज़ का जवाब है। बट मैं यहाँ नॉर्मल पब्लिक से कह रहा हूँ, जो नेचर लवर्स है, जो कैंपिंग करना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपना दिमाग यूज़ करें और कैलकुलेशन लगाएं कि क्या ये लोग सही कर रहे हैं, या जो एक चीज़ नई ओवरलैंडिंग या कैंपिंग जो एक नई चीज़ कम्युनिटी ग्रो कर रही है या करनी चाहिए थी, ये उसको एक बिल्कुल अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, जो कि सबके लिए एटलीस्ट हार्मफुल होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे ये कंपनीज ही खुल जाएंगी। इन्होंने कंपनी बना ली है, पर बनाई इस तरीके से कि किसी को शक ना हो पाए कि ऐसा भी कुछ हो रहा है यहाँ पर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचूँगा। अगर आपको वीडियो सही लगा है और अगर आपको लगा कि मैं सही हूँ, तभी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, देन आई एम सॉरी, पैसा आपका है, गाड़ी आपकी है, लाइफ आपकी है, आप किसी को अपने पैसा फेंकना चाहते हैं अगर आप, तो इट्स योर चॉइस, मुझसे कोई गलती हो गई हो या जो जिन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर आपके बिजनेस पे मैंने लात मारने की कोशिश की है, अगर आपको ऐसा लगता है, देन आई एम सॉरी, सॉरी टू एवरीवन जिसको ये बात या ये वीडियो गलत लगा हो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं अगले व्लॉग में। हेलो गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज हमारी वीकेंड कैंपिंग शुरू हो चुकी है, आज हम लेके आए हैं माता जी को अपने साथ, ये माता जी को और बच्चे को भी साथ लाया हुआ है जो गाड़ी में बैठा है। मदर इन लॉ है, ये मेरी मॉमी है, मेरी मॉम वाइफ है, और मेरा बच्चा अंदर बैठा है, मेरी मॉमी वो यहाँ पर बैठी है अंदर। जैस्लीन चल बेटा आ जा बाहर, जैस्लीन। और ये हमारा जो भी हम लोगों ने बेड का सेटअप किया है, अगली जो लंबी कैंपिंग हमारी होने वाली है उसके लिए, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। फिलहाल हम लोग व्यू एंजॉय करते हैं और खोलते हैं अपना ये पिटारा, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, रसोई खोलते हैं अपनी और यहाँ पर बैठते हैं, थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, खाना पीना शुरू। आज इसको एंजॉय कराने के लिए लाए हैं हम जैस्लीन को, बट ये फोन ही नहीं छोड़ती भाई। आज हम आपके लिए बहुत डिफरेंट सी डिश लाए, डिफरेंट तो नहीं है, डिफरेंट डिश क्या बनानी हमने आज देसी चीजें बनाने की सोची, देसी चीजें हमने, मैं उसका रीजन बता देता हूँ, देसी चीजें इसलिए बननी वाली हैं क्योंकि आ जाएंगी मम्मी हमारे साथ, ठीक है, तो ये अपनी माँ से करवाएगी काम, इसलिए करिए देसी चीजें, है ना मम्मी, आपसे काम करवाएगी आज, कोई बात नहीं। आज ही लेके आई आटा, कहती कि हम लोगों ने खा लिया बहुत फास्ट फूड, खा लिया फास्ट फूड, चावल खा के बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझे चाहिए देसी रोटी सब्जी दाल। तो आज हम दाल नहीं, तो सब लोग नहीं, तो सब लोग ये बात ध्यान रखना, अगली बार जब हम लोग जा रहे हैं ना अगली लॉन्ग ट्रिप पे, तो वहाँ पे रोटी बना के खिलाना, तो मुझे अभी बना के खिलाते, अभी चलो मम्मी है देख लेना, वीडियो पता लग जाएगी कौन बना रहा है कौन नहीं कर रहा।